हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। जैसे कि सर ने हमारा पहले इंट्रोडक्शन कर दिया है, तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। आज हम साइंस और बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन भी पढ़ चला रहे हैं। तो साइंस क्या है एंड बायोलॉजी क्या है, आइए देखते हैं। साइंस साइंसिया वर्ड आया है, इसका मीनिंग होता है नॉलेज या टूल। बात करें अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी भी दो खंडों से मिलकर बना हुआ है। पहला है बायो, दूसरा है लॉगस। बायो में होता है लाइफ, लॉगस में होता है स्टडी। बात करें बायोलॉजी टर्म के लिए, बायोलॉजी टर्म एक लैनर नाम गेन ने किया था। बायोलॉजी के फादर नेचरलिस्ट अरिस्टोटल माने जाते हैं। इन्होंने 384 से 322 बीसी में एक बुक रिलीज किया था, जिसका नाम था हिस्टोरिया एलिमेंटम। बायोलॉजी दो भागों में बांटा गया है, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। बात करेगा जूलॉजी की, जूलॉजी भी दो खंडों से मिलकर बना हुआ है। पहला है जू, दूसरा है लॉगस। जू मीन्स होता है एनिमल, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि एनिमल का स्टडी करना ही क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल माने जाते हैं। बात करें अगर बॉटनी की, बॉटनी बॉटनी सबसे आया है, इसका मीनिंग होता है प्लांट। प्लांट कहीं ना कहीं बॉयसिंग सबसे जुड़ा हुआ है, इसका मीनिंग होता है ग्रेजिंग, यानी एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं वही प्लांट कहलाता है। बॉटनी का सेकेंड नेम फाइटोलॉजी कहलाता है। फाइटोलॉजी दो खंडों से मिलकर बना हुआ है। फाइटो दूसरा है लॉगस। फाइटो मीन्स होता है प्लांट, लॉगस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि प्लांट का स्टडी करना फाइटोलॉजी कहलाता है। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस माने जाते हैं। इन्होंने 370 से 285 बीसी में एक बुक पब्लिश किया था, जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।